एकीकृत कीट प्रबंधन विधि अपनाएं, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी लाएं। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ कीटों से फसल का होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार कीटों के द्वारा 10-30% तक फसल उपज का नुकसान होता है और एकीकृत कीट प्रबंध कृषि परिस्थिति की प्रणाली में कम से कम संभावित व्यवधान के साथ एक स्वस्थ फसल के विकास पर जोर देता है। किसान इन्हीं कीट समस्याओं से निपटने के लिए कई तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे खेती के तरीकों में बदलाव द्वारा नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। खेती के तरीकों में बदलाव द्वारा नियंत्रण, उचित बीज दर एवं पौधों की दूरी का ध्यान रखकर प्रतिरोधी किस्मों को लगाना तथा बोने से पहले बीज उपचार करना, गहरी जुताई करके उसमें मौजूदा कीटों व रोगों की विभिन्न अवस्थाओं तथा खरपतवारों को नष्ट करना, खेतों से फसल अवशेषों को हटाकर मेड़ों को साफ रखना, फसल चक्र अपनाकर एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार ना बोना, इससे कई कीटों तथा रोगों का भी प्रकोप कम हो जाता है। समुचित जल प्रबंधन एवं उर्वरक प्रबंधन अर्थात उर्वरक की सही मात्रा उचित समय पर देना, विशिष्ट फसल के प्रमुख कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट ट्रैप फसलों यानी फांस फसलों को उगाना चाहिए, खेत में प्रवेश करने वाले कीटों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चारों ओर सीमावर्ती यानी बॉर्डर फसल को उगाना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण, खेत में कीट विशिष्ट लाइट और फेरोमोन जाल लगाना ताकि कीटों को फंसाकर उन्हें नष्ट किया जा सके। निगरानी और नियंत्रण के लिए कीट विशिष्ट चिपचिपा फांस लगाना, पक्षियों द्वारा कीटों को अलग अलग लार्वा चरणों में पकड़ने और खाने की सुविधा के लिए खेत में पक्षियों के बैठने के लिए जगह बनाना। जैविक नियंत्रण, कीटों को नियंत्रित करने के लिए लाभदायक जीवों का उपयोग करना, कीटों को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोग्रामा जैसे परजीवी का उपयोग करना, ब्यूवेरिया बेसियाना, बसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस एनपीवी जैसे कीट रोगजनक फफूंद बैक्टीरिया और वायरस का प्रयोग करना जो कीटों में रोग पैदा करते हैं और उन्हें मार देते हैं। परभक्षी कीट, ये मुक्त जीवित जीव हैं जो कीटों को खाते हैं। लेडी बर्ड बीटल जैसे प्रीडेटर्स का संरक्षण करना और उनके लिए रसायनों का उपयोग नहीं करना क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से कीटों को खाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। रासायनिक नियंत्रण, विशेष कीट आबादी के लिए तय किए गए आर्थिक सीमा स्तर ETL के आधार पर रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत कीटनाशकों का अनुशंसित दर से इस्तेमाल करना।